यहाँ पे। इस मैडम की भी इच्छा हुई कि सर ने बताया है, क्यों ना मैं जो है वोटिंग करने आज ही चली जाऊं, तो मेरा कहना मान के ये मैडम जो है वोटिंग करने के लिए निकल पड़ी है। वो आप देख रहे होंगे विश्व की सबसे ऊंची झील। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सफलता के सच्चे साथी नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इससे पहले की क्लास में हमने जो है आपको नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में अध्ययन करवाया था। उस वीडियो पर आपने कमेंट्स करके, लाइक करके बड़ा अच्छा प्यार दिया, और मैं आपसे आशा रखूंगा कि आगे भी जो है आप नोटबुक आईएएस को बड़ा स्नेह प्यार देंगे। इसके साथ में भी मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग केवल अपने तक ही नहीं, इस इम्पोर्टेंट सेशन को अपने मित्र मंडली तक भी शेयर करें, उनको भी बताएं, ताकि आपके साथ भी वो भी जो है इसका लुत्फ़ उठाएं, आनंद उठाएं, और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से जो है बनाएं। साथियों, इससे पहले का जो सेशन था वो हमारा नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में था। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक बार जो है अपन नॉर्थ अमेरिका की झीलों को रिकॉल करते हैं। मेरे साथ में आप भी बगैर देखे मेरे साथ साथ झीलों को जो है रिकॉल करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों, दोबारा से आपको सेशन को देखने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही यदि फिर भी आप समझ नहीं बना पा रहे हैं, तो आप जो है मेरे साथ में एक बार आपके आउटलाइन मैप जो नॉर्थ अमेरिका का है उसको खोलेंगे और सामने रखेंगे। उस पर मैं आपसे आशा रखूँगा केवल और केवल नंबरिंग होनी चाहिए उस पर, न कि नाम लिखा हुआ। तो उन नंबरिंग को देखते हुए आप अपनी समझ को विकसित करेंगे। तो साथियों, मेरे साथ में रिकॉल करने की प्रयास करेंगे कि कैसे मैं जो है ये मात्र एक या आधे मिनट में जो है आपको पूरी की पूरी नॉर्थ अमेरिका की झीलों को रिवाइज करके बताता हूँ। साथियों, सबसे पहले ग्रेट बियर, स्लैव, अथाबास्का, रेनेडियर, विनिपेग, और उसके बाद में ग्रेट लेक्स के पोर्शन पर अपन आते हैं। तो उसमें सबसे पहले सुपीरियर, यूरोन, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो। उसके बाद में मैंने आपको ग्रेट साल्ट झील और उसके बाद में मानव निर्मित झील मिड झील के बारे में बताया था साथियों। तो ये था अपना एक आधे मिनट के अंदर मात्र जो है मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में अच्छे से रिकॉल और आपको क्विक रिविजन करवा लिया। आज का जो सेशन रहेगा साथियों, वो साउथ अमेरिका की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं किस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका के सेशन को अच्छे से जो है अपने, ये जो आप पेज देख रहे हो साथियों, ये मेरी आउटलाइन मैप का जो है एक पेज है जिसमें नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ कि मैंने जो है किस प्रकार से तय किए। साथियों, जिस प्रकार से मैंने सेशन को तैयार किया है वैसे ही मैं आपसे अपेक्षा रखूंगा। एक बार आप मेरे कहने पर जो है जैसा मैं कह रहा हूं आप वैसा ही करने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ में आपको कहता हूं कि जीवन में आप जब कभी भी किसी भी एग्जाम में उन चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे या कभी भी भूला नहीं पाएंगे। साथियों, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो झील दिख रही है वहाँ पर मैंने छोटा सा आपको शायद दिखे या नहीं दिखे, फिर भी मैं आप को जो है एरो के माध्यम से यहाँ सर्कल करके बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे एक नंबर लिखा हुआ है। एक नंबर देखते ही जो है मेरे माइंड में वो नंबर रिकॉल कर जाएगा कि ये ग्रेट बियर है। उसके बाद में साथियों, मैंने आपको बताया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार आपके रिवीजन करने के लिए, बाकी मैंने आपको कहा था कि मैप पर किसी प्रकार का नाम नहीं लिखना है। तो ये जो झील थी इसका नाम बताया था साथियों मैंने, ग्रेट बियर झील। उसके बाद में ये जो झील देख रहे हैं आप साथियों यहाँ पर, इसका नाम स्लैव झील। ये जो झील आप देख रहे हैं इसका नाम बताया था अथाबास्का, अथाबास्का झील। उसके बाद में ये जो झील देख रहे हैं साथियों इसका नाम है रेनडियर झील। और ये जो आपकी थी जहाँ पर एक शहर जिसका नाम विनिपेग है, विनिपेग झील के नाम पे ही पड़ा, मैंने यहाँ बताया था विश्व की सबसे
बड़ी जो है गेहूं की मंडी यहीं पे है। तो ये झील आपकी थी विनिपेग झील, और उसके बाद में ये आपको मैंने अच्छे से अलग से मैप लेके जो है ग्रेट झील के बारे में बताया था। साथियों, इसके साथ ही मैं आपसे अपेक्षा रखना चाहूँगा कि आप जो है अपनी अध्ययन को शार्प करने के लिए, यदि आपने इस सेशन को नहीं देखा है तो आप मेरी पहले जो ये इससे पहले की जो क्लास थी जिसमें मैंने नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में आपको बताया था, उसको ज़रूर देखेंगे। उसके बाद में ये जो झील थी आपकी, ये ग्रेट साल्ट झील, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कोलोराडो नदी पर हूवर और बाउंडर बांध बना हुआ है, उसका ही जो कृत्रिम जलाशय आपका मीट झील था। आज के सेशन में साथियों अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है साथियों, ये आपका साउथ अमेरिका का मैप है। जैसा कि मैंने क्लास के आगाज में ही बताया कि आज के सेशन में अपन साउथ अमेरिका की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथियों, इसमें ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण झीलें नहीं हैं, जो महत्वपूर्ण झीलें हैं उसको मैंने यहाँ लिख रखा है। मैराकाइबो झील, मैराकाइबो, पूपो झील, टिटिकाका झील, इसके साथ ही मैंने एंजिल जलप्रपात को भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। साथियों, मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के सेशन में भी एक जलप्रपात के बारे में पढ़ाया था, अच्छे से समझाया था उसको, आप वो कौन सा जलप्रपात था उसको आप कमेंट सेशन में जरूर लिखेंगे ताकि उस चीज़ को आप रिकॉल कर पाए। साथियों, आज के सेशन में सबसे पहली जो झील रहेगी वो हमारी मैराकाइबो झील रहेगी। तो आप इस मैप में मैं एक बार बता दूं कि जैसे मैंने नंबरिंग कर रही है 1, 2, 3 और 4, आप यहाँ पर भी जो है नाम नहीं लिखेंगे बल्कि नंबरिंग करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं इंडिकेट करके बता देता हूँ आपको कि जो है यहाँ आपका जो झील दिख रहा है इसका नाम है मैराकाइबो झील, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 नंबर मैराकाइबो झील। मैं अच्छे विस्तृत तौर पर आपको झीलों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल जो है केवल नंबरिंग करेंगे 1 नंबर यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो झील दिख रही है, यहाँ पे जो झील दिख उसके इसका नाम है पूपो झील, और ये जो देख रहे हैं आप इस झील का नाम है 3 नंबर करेंगे, और इसका नाम है टिटिकाका झील। उसके बाद में 4 नंबर पे ये जो रेड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे साथियों, यही है आपका एंजिल जलप्रपात, केवल नंबरिंग करेंगे। अब जो है साथियों, मैं विस्तृत तौर पर आपको मैराकाइबो झील के बारे में पढ़ाऊंगा बताऊंगा। उससे पहले वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप के अंदर आपका जो साउथ अमेरिका है वो दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको मैराकाइबो झील यहाँ पे ये जो झील दिख रही है आपको, इसी का नाम मैराकाइबो झील है। साथियों, आप देख रहे होंगे कि साउथ अमेरिका के मैप में वेनेजुएला है, वेनेजुएला। तो पहले प्रश्न का अपना आंसर मिल गया कि मैराकाइबो झील कौन से, कहां पर स्थित है, तो आप सीधे से जो है आंसर लिखेंगे कि वेनेजुएला में आपकी मैराकाइबो झील अवस्थित है। इसके साथ में ही साथियों, मैराकाइबो झील के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैराकाइबो विश्व में एक ऐसी झील है जिसको कुदरती बिजलीघर कहा जाता है। कुदरती बिजलीघर इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों, यहाँ पर 1960 में एक रिसर्च किया गया और रिसर्च में ये पाया गया कि यहाँ पर प्रति मिनट बारिश के दिनों में, यानी वर्षा ऋतु में प्रति मिनट इस झील के ऊपर 28 बार जो है बिजली कड़कती है। इसके साथ में इसका रीजन जानने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया 1960 में रिसर्च किया गया, उसमें ये पाया गया कि इसकी झील के चारों ओर यूरेनियम के भंडार है। यूरेनियम के भंडार होने के कारण इस पर बिजली कड़कती है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी आसमान में एक ही जगह पर एक, यदि बिजली एक बार यहाँ पर कड़क गई है तो दूसरी बार उस आसमान में उसी जगह पर बिजली वापस नहीं कड़कती। साथियों, यदि
आप चाहते हैं तो बारिश के सेशन में अपने आसमान में या बारिश के सेशन में आसपास जो बिजली कड़क रही है तो आप उसको देख सकते हैं। एक बार बिजली यहाँ पर तो दूसरी बार कहीं और पर, लेकिन एक ही आसमान में उसी जगह पर एक से दूसरी बार जो है बिजली नहीं कड़कती है। तो ये है एक कुदरती फैक्ट जो जानकर जो है आपको बहुत ही विस्मय ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। एक रहस्यमय स्थान ये झील का कि यहाँ पर सारे दिन जो है बिजली कड़कती रहती है। इसका कारण मैंने आपको बताया रिसर्च में जो है यूरेनियम के भंडार। दूसरा रिसर्च किया गया जिसमें ये पाया गया कि यहाँ पर तेल है तो तेल के कारण जो है यहाँ मीथेन गैस है, मीथेन गैस के कारण ही यहाँ पर एकाधिक बार जो है बिजली कड़कती है। लेकिन साथियों इन तथ्यों को अप्रमाणिक पाया गया। उसके बाद में जो है BCC की एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ पर एक नदी का निकास होता है, उस नदी के निकास के कारण ही यहाँ पर बिजली की कड़कड़ाहट होती है। इसके साथ में मैं आपको ऐड करना चाहूंगा साथियों आपके ज्ञान में, और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है कि इस झील को गिनीज बुक में दर्जा दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि इसको दुनिया का कुदरती बिजली घर कहा जाता है। तो साथियों प्रश्न आ जाए कि दुनिया का कुदरती बिजली घर कौन सी झील को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैराकाइबो झील। साथियों आप देख रहे हैं पीछे ये फोटो जो लगा हुआ है ये आपकी मैराकाइबो झील का है, ये आपकी मैराकाइबो झील है। साथियों आसमान को देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको बिजली की कड़कड़ाहट दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार से जो है ये झील के ऊपर सारे दिन बिजली कड़कती रहती है। ये देखिए साथियों ये झील के ऊपर देख रहे हैं आप किस प्रकार से बिजली की कड़कड़ाहट होती हुई प्रतीत हो रही है। एक ही स्थान पर एक ही झील पर बहुत देखिए आप बिजली का एक तरह से जाल सा दिख रहा है आपको। साथियों आप दूसरी झील के बारे में देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टिटिकाका झील। उससे पहले मैं साउथ अमेरिका के मैप पर आपको बता दूं कि टिटिकाका झील कहाँ पे है। ये देख रहे होंगे साथियों यही आपकी टिटिकाका झील है जिसे विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहा जाता है। इसके साथ ही इस झील में जो 40 से अधिक आइलैंड बने हुए हैं, ऐसे वो आइलैंड ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि झील में तैर रहे हो। तो यदि आपको विश्व के सबसे ऊंची झील में बोटिंग करनी हो साथियों आप यहाँ पे जा सकते हैं और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं अपने संगी साथियों के साथ में। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं ये देख लो साथियों यही है आपकी टिटिकाका झील, और यहाँ पे इस मैडम की भी इच्छा हुई कि सर ने बताया है क्यों ना मैं जो है बोटिंग करने आज ही चली जाऊं, तो मेरा कहना मान के ये मैडम जो है बोटिंग करने के लिए निकल पड़ी है। और आप देख रहे होंगे विश्व की सबसे ऊंची झील में यहाँ पे नावें बहुत सारी पड़ी है साथियों। न केवल ये विश्व का की ऊंचा नौगम्य झील स्थान है बल्कि इसके साथ ही साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील भी है। ये देख लो साथियों जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस झील में जो है 40 से लगभग 40 के आसपास आइलैंड है। इस प्रकार से ये टापू बने हुए दिख रहे होंगे आपको साथियों जैसे कि तैर रहे हो। आपने अपने प्यारे भारत में ये सुना होगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय जल उद्यान, तो
तो वो कहां पर स्थित है आप कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे। जब मैं भारत वाले पोर्शन को, भारत की मैपिंग करूंगा अलग से, तो मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उस सेशन में भी, सेशन तक आप मेरे साथ में बने रहेंगे। उसके बाद में साथियों बात करते हैं अपन एंजिल जलप्रपात के बारे में। एंजिल जलप्रपात, जैसा कि मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के पोर्शन में भी एक बहुत अच्छे जलप्रपात के बारे में बताया था, तो वो आप कमेंट सेशन में बताएंगे कि वो कौन सा जलप्रपात था। बात करते हैं एंजिल जलप्रपात के बारे में। तो एंजिल जलप्रपात विश्व का ऐसा जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। तो साथियों ये कहां पर स्थित है उसके लिए मैं आपको साउथ अमेरिका के मैप में ले जाना चाहूंगा। ये देख रहे होंगे साथियों, यहीं पर जो है आपका एंजिल जलप्रपात स्थित है। आप देख रहे होंगे कि ये जो मैप है ये वेनेजुएला का है। तो एंजिल जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो वेनेजुएला में। और प्रश्न आ जाए कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो उसके लिए आप खासा ध्यान रखेंगे वो ये है कि यहीं से जो आपकी नदी निकलती है एक ब्राजीलियन उस भूमि से जिसका नाम है ओरेनिको नदी। ओरेनिको नदी, इसी ओरेनिको नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरोनी नदी। इसी कैरोनी नदी की भी एक सहायक नदी है साथियों चुरुन रिवर। इसी चुरुन रिवर पर, इसी चुरुन नदी पर आपका एंजिल जल प्रपात स्थित है। मैं नाम लिख देता हूं, ये जो आपकी नदी थी जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, इसका नाम है ओरेनिको, ओरेनिको नदी। इसी की सहायक जो आपको येलो कलर में दिख रही है उसका नाम भी मैं येलो कलर से ही लिख देता हूं, इसका नाम है कैरोनी नदी। कैरोनी नदी जो मैंने पर्पल कलर में लिख के बताई है नदी, जो अटैच करके ऐड करके, वो सहायक नदी है किसकी, कैरोनी की सहायक चुरुन, चुरुन नदी। इसी पर आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल स्थित है। साथियों परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए कि एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए ओरेनिको नदी। उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन के अंदर आपका कैरोनी लिखा हुआ हो तो आप कैरोनी को किक करेंगे, सही करेंगे। कैरोनी नहीं हो तो आप ओरेनिको नदी को करेंगे। यदि दोनों नहीं हो, उसके चुरुन यदि लिखा हुआ हो ऑप्शन में, तो आप सुरुन को राइट करेंगे। मैंने ये तीनों स्थान इसलिए, तीनों ही नदियां इसलिए लिखवाई है क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको परीक्षा में मिल सकता है। यदि ओरेनिको और करा, ओरेनिको और आपका कैरोनी दोनों मिले तो आप कैरोनी को सही करके आएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है आपका पिन पॉइंट जो है वो कैरोनी रिवर होगा। इसके साथ में ही एक और झील जो रह गई थी जिसका नाम था पूपो, ये आपकी पूपो झील है। साथियों यहीं पर आपके बोलीविया की राजधानी इसके समीप स्थित है जिसका नाम है लापाज। इसके अलावा ये झील इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको। साथियों हमने आज की सेशन में पहली झील पढ़ी थी जिसका नाम था मैराकाइबो, इसको कुदरती बिजली घर कहते हैं। यहाँ पर इसको जो है गिनीज बुक में शामिल किया गया है। उसके बाद में पूपो झील, ये
इसी झील के समीप बोलीविया की राजधानी आपकी लापाज स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया की बाउंड्री पर स्थित है। तो प्रश्न आ सकता है कि टिटिकाका झील कौन से दो देशों के मध्य सीमा साझा करती है या सीमा पर स्थित है या प्राकृतिक बाउंड्री या बॉर्डर बनाती है। तो आंसर होना चाहिए पेरू और बोलीविया। उसके बाद में मैंने विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बारे में आपको बताया। साथियों एक मिनट में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की झीलों को मेरे साथ में आप क्विक रिवाइज करेंगे या रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो ग्रेट बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेनेडियर, विनिपेग, सुप्रियर, यूरोन, मिशिगन, ईरी, ओंटेरियो, ग्रेट साल्ट, मीड। उसके बाद में आज के सेशन में सबसे पहले मैराकाइबो, टिटिकाका, बूपो, उसके बाद में एंजिल जलप्रपात के बारे में पढ़ा है। सेशन एंड करने से पहले साथियों पॉइंट फॉर्म में भी मैं आपको एक बार बता दूं ताकि आपके लिए इजी रहे। पहला पॉइंट है साथियों बोलीविया की राजधानी लापाज के समीप पूपो झील स्थित है, यानी पूपो झील के समीप ही जो है बोलीविया की कैपिटल आपकी लापाज स्थित है। दूसरे पॉइंट में बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंची नेविगेबल यानी नौगम्य झील स्थित है, जो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ध्यान में रखेंगे साथियों। तीसरे पॉइंट में वेनेजुएला में कैरिबियन सागर के तट पर मैराकाइबो झील स्थित है। इस झील का नाम गिनीज बुक में शामिल किया गया है। क्यों किया गया इसका रीजन मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। इसको दुनिया का कुदरती बिजली घर कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात साथियों इस झील के आसपास मैंने आपको बताया था कि तेल भंडार पाए जाते हैं। एक चीज और मैं आपको यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि तेल भंडार तो यहां पर है लेकिन संसित यानी रिजर्व पेट्रोलियम है यहाँ पे। इसका कारण आपको पता, आपने ये सोच ही लिया होगा या गैस कर दिया होगा, क्योंकि इस झील के ऊपर सैकड़ों बार बिजली कड़कती रहती है। यदि कोई चाहे कि अपन उस झील पर चलते हैं पेट्रोलियम सस्ता करने के लिए, पेट्रोलियम वहीं से जो है निकालना चालू कर देते हैं। साथियों लेने तो जाएंगे अपन पेट्रोलियम लेकिन वहीं पर कोयला बन जाएंगे, इसीलिए इस झील की माइनिंग या दोहन करना थोड़ा सा कठिन है। आगे जब अपन बढ़ेंगे चौथे पॉइंट के अंतर्गत तो कैरोनी नदी की सहायक चुरून नदी, इस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। कैरोनी नदी ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। तो साथियों ये था आज का सेशन जिसमें मैंने साउथ अमेरिका की झीलों के बारे में आपको बताया। आपके चेहरों की मुस्कान को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपको आज का ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस सेशन को बहुत सारा प्यार देंगे, साथ ही नोटबुक आईएएस के उत्थान में और नोटबुक आईएएस को सातवें आसमान पर और जन जन तक ढाणी ढाणी तक जन जन तक प्रत्येक को इसका लुत्फ उठाने के लिए आप न केवल शेयर करेंगे बल्कि सब्सक्राइब करके हम सभी की हौसला अफजाई करेंगे। साथियों इसी आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, इस के साथ में कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और नोटबुक आईएएस को प्रमोट करते रहें, मोटिवेट करते रहें, हम सभी की ऊर्जा का संसार करने में आप जो है अपनी भूमिका का निर्वहन करें। साथियों ये आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे।
इसी के साथ में ही मैं आपसे आगे लेना चाहूँगा, जय भारत, जय हिंद, जय नोटबुक आईएएस।